नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतिहास का फर्स्ट टॉपिक में प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में कौन सा टॉपिक के एमसीक्यू चल रहे हैं दोस्तों? तो वो चल रहे हैं बौद्ध धर्म के आज सेकेंड पार्ट दोस्तों। और बौद्ध धर्म के सेकेंड पार्ट में हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे, ठीक है ना? चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले जिन्होंने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, और इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़िएगा, फेसबुक आईडी के माध्यम से भी जुड़ जाइएगा। सिलेक्शन मेंटर जिन्होंने अभी यूट्यूब में सर्च नहीं किया वो जल्दी से सर्च कर ले। ये हमारे वीरज सर हैं जो कोचिंग के फाउंडर हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जिन जिन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की भी तैयारी कर रहे हैं। इससे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस जो है, यूपी गवर्नमेंट जो दे रही है आपको यूपी ट्रिपल एससी के तहत, वो सारे एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप लोग दीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन 540 ईसा पूर्व, दूसरा है 563 ईसा पूर्व, तीसरा है 483 ईसा पूर्व, और चौथा है 463 ईसा पूर्व। तो देखिए, ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों। जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही होगा। तो ये चार ऑप्शन में जो है, चार ऑप्शन में जो सही होगा ऑप्शन, वो सही होगा बी नंबर 563। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बनी नामक स्थान पर। लुम्बनी नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। ये कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है दोस्तों। और 540 जो है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में, याद करते चलिएगा, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, कुंड ग्राम में हुआ था, जो वैशाली में पड़ता है, जो वैशाली में पड़ता है। 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, समझ गए ना दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन थे? त्रिरत्न कौन कौन से थे? पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ, और चौथा ये सभी। ये चार ऑप्शन है, जल्दी बताएं कौन कौन थे, ठीक है? तो त्रिरत्न में ये तीनों थे। बुद्ध भी था दोस्तों, बुद्ध भी था, धम्म भी था, और संघ भी था। मतलब ये तीनों त्रिरत्न थे, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और जैन धर्म के कौन थे? जैन धर्म के, जैन धर्म भी मत भूलिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, आचरण और सम्यक दर्शन, ये हमारे जैन धर्म के थे, ठीक। और ये बौद्ध धर्म के, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चार ऑप्शन है, महाकश्यप, शुभ कमीर, मोगाली पुत्र तिस, और चौथे हैं वसुमित्र। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, और जल्दी से बताइए कि तीसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसमें जो ऑप्शन होगा तीसरी बौद्ध संगीत के, वो होगा सी नंबर, मोगाली पुत्र तिस। ये तीसरे के थे, ठीक। और ये जो थे वो चौथे थे अध्यक्ष, और ये जो थे ये दूसरे बौद्ध संगीत के थे, और जो महाकश्यप थे ये पहले थे, समझ गया ना दोस्तों। तो क्रम से भी आप लोग इसको तैयार कर लिए, पहले महाकश्यप थे, दूसरे शुभ कमीर थे, तीसरे मोगाली पुत्र थे, और चौथे वसुमित्र थे। देखिए, हमने सेट से ही लगाया है इनको,
समझ रहे मेरी बात को? तो इस प्रकार हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश कहां पर दिए? पहला मथुरा, दूसरा सारनाथ, तीसरा श्रावस्ती और चौथा है राजगृह। तो आपको बता दें, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो रहा है, जल्दी से बताइए। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती देखिए में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा तो समय व्यतीत किया, यहां पर समय अपना व्यतीत किया, एक तो ये पॉइंट बनता है आपका व्यतीत किया, दूसरा पॉइंट बनता है सर्वाधिक उपदेश भी यहां दिया। क्या दिया? सर्वाधिक उपदेश दिया, समझ गए होंगे आप लोग। सारनाथ में कौन घटना घटी थी दोस्तों? पहला उपदेश दिया था उन्होंने, पहला उपदेश दिया था ऋषि पतनम जाकर। राजग्रह, तो राजग्रह जो है बिंबसार से संबंधित है और बिंबसार राजग्रह की स्थापना की थी। और आपको बता दे फर्स्ट बौद्ध संगीत हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, रावे पाखू करके एक वर था, समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। और मथुरा में गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति है, गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति जो है मथुरा में हमें प्राप्त होती है। कहां प्राप्त होती है? मथुरा। इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि राजगृह में किस मगध नरेश ने महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो पहला ऑप्शन है कालासो, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयभद्र, चौथा है बिंबसार। ये चार ऑप्शन है और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, जल्दी से बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर, बिंबसार ने ही राजगृह में गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। समझ गए दोस्तों, बिंबसार ही बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में शासकों में किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया? पहला है बिंबिसार, इसने संरक्षण प्रदान किया, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा है खारवेल। देखिए ये चार ऑप्शन है आपके पास और चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है आपका, जल्दी से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डी नंबर ऑप्शन है खारवेल एक ऐसा शासक है दोस्तों जो बौद्ध धर्म का संरक्षण नहीं किया। हाथी गुफा अभिलेख आप पढ़ते होंगे, हाथी गुफा अभिलेख। आपको बता दें कि अशोक ने कलिंग में वार किया था, अशोक का कलिंग वार समझ गया ना दोस्तों, कलिंग वार 261 ईसा पूर्व में हुआ था। काफी नरसंहार होने के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसने संरक्षण दिया कि नहीं? बिल्कुल सही थी बात है, अशोक ने संरक्षण दिया था मगर इस जो शासक था खारवेल, ये कलिंग का शासक था खारवेल, और इसने बौद्ध धर्म का संरक्षण नहीं दिया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है आपका। ठीक है, यही शासक संरक्षण नहीं दिया था, ऑप्शन के तौर पर यही डी नंबर ऑप्शन सही होता है। चलते हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन की तरफ और सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 72 वर्ष की अवस्था में, दूसरा है 80 वर्ष की अवस्था में, तीसरा है 92 वर्ष की अवस्था में और चौथा है 62 वर्ष की अवस्था में। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें जो सही होगा वो बी नंबर सही हो रहा है, 80 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था,
क्योंकि ये लगातार धर्म है दोनों, और ये धर्म में कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती रहती है। महावीर स्वामी को 72 वर्ष की आयु में और 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को महान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, समझ गए ना। तो इस प्रकार हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किस घटना से संबंधित है। देखिए हमने 4 ऑप्शन आपको दे दिए, चारों ऑप्शन से आप पूरी घटनाओं के बारे में जिक्र कर लेंगे। दूसरा है ग्रह त्याग, पहला उपदेश, दूसरा है ग्रह त्याग, तीसरा है मृत्यु और चौथा है ज्ञान प्राप्त। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन के माध्यम से हम डिटेल के करेंगे और सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसी जगह से। आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बताने वाला हूं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश से संबंधित है दोस्तों, और ये उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। सारनाथ में एक उपदेश दिया था, ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासी को, 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, उन्हीं को उन्होंने उपदेश पहली बार दिया था, समझ गए ना। जो ग्रह त्याग की घटना है उसका जो हम घटना का जिक्र करते वहां उसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण से संबंधित है, और उपदेश की जो घटना है वो धर्म चक्र परिवर्तन से। याद करते चलिए आप लोग और क्वेश्चन को नोट भी करते रहिएगा आप लोग। जो मृत्यु का है प्रति वो महापरिनिर्वाण शब्द है, परिनिर्वाण शब्द है दोस्तों, देहवसान, समझ गए होंगे। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए है वो महाबोधि, महाबोधि शब्द ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है दोस्तों, समझ गए ना। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तभी वो बुद्ध कहलाए, इससे पहले वो सिद्धार्थ नाम था उनका। क्या नाम था? सिद्धार्थ, समझ गए होंगे आप लोग। और चलते हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में गौतम बुद्ध का पालन पोषण भैया किसने किया? मामा ने, मौसी ने, बुआ ने, उनके पिता ने। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए किसने किया, जल्दी से बताइए किसने किया। तो भैया इसमें B नंबर ऑप्शन सही होगा, इनकी माँ का देहावसान होने के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नाम था गौतमी, गौतमी प्रजापति, इन्हीं ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था दोस्तों। इस प्रकार हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम क्या था दोस्तों? पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, दूसरा ऑप्शन है सुदोधन, तीसरा ऑप्शन है अलार कलाम, चौथा है गंगा भट्ट। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए और बताइए आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है दोस्तों, आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों वो सही होगा सिद्धार्थ। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, समझ रहे ना मेरी दोस्त मेरी बात को। परंतु महावीर स्वामी के पिता का नाम था दोस्तों, समझ गए ना, सिद्धार्थ, गलती नहीं करना। सुदोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, समझ गए ना दोस्तों, और उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन। अलार कलाम गौतम बुद्ध के कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु थे, जो पहली मुलाकात हुई थी अलार कलाम नामक व्यक्ति से। चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो पहला है यशोदा, दूसरा है यशोधरा, तीसरा है महामाया और चौथा है प्रियदर्शनी, समझ गए होंगे आप लोग, प्रियदर्शनी, ठीक है।
तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है जल्दी से बताइए, आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है। तो मैं बताने वाला हूं कि आपका ऑप्शन में कौन सही करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था दोस्तों। क्या नाम था? यशोधरा। ये यशोधा किसके नाम था? ये महावीर की पत्नी का नाम था, याद करते चलिए, महावीर की पत्नी का नाम था दोस्तों, और यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था दोस्तों, समझ गए। महामाया जो था वो दोस्तों की क्या नाम था? ये गौतम बुद्ध की माता का नाम था, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, और महावीर की क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था दोस्तों, जल्दी से बताइए, तो त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था, समझ गए होंगे आप लोग। क्या नाम था? त्रिशला। प्रियदर्शनी जो था वो महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, जिसकी शादी किससे हुई थी? जमाली नामक एक व्यक्ति से हुई थी, समझ गए, जिसे जमाता या दामाद कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसमें क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान रिसीव हुआ था दोस्तों, अचीव हुआ था दोस्तों, जल्दी बताइए। तो पहला ऑप्शन है ऋजुपालिका नदी किनारे, दूसरा ऑप्शन है अगोमा नदी के किनारे, और तीसरा ऑप्शन है निरंजना नदी के किनारे, और चौथा ऑप्शन है सरस्वती नदी के किनारे। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गौतम बुद्ध है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त था, आप बताइए जल्दी से, आप जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, नॉलेज जो है अचीव हुआ था दोस्तों। और ये जो ऋजुपालिका नदी है इसमें महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, समझ गए ना। अगोमा नदी में गौतम बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक नाम था, इसी नदी के किनारे छोड़ा था, समझ गए होंगे आप लोग, छोड़ा था दोस्तों, समझ गए ना पूरी बात को। और निरंजना नदी के किनारे इनको क्या हुआ? नॉलेज अचीव हुआ, ज्ञान प्राप्त हुई। किसको ज्ञान प्राप्त हुआ भैया? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को, ठीक है। और सरस्वती नदी ये ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। तो इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है 12 नंबर, और चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। निम्न चार स्थान बुद्ध के जीवन काल की चार प्रसिद्ध घटनाओं से जुड़े हैं, इन स्थानों को सही क्रम में चिन्हित कीजिए। जैसा पहला दिया है बोध गया, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है लुम्बिनी और सारनाथ, इसको को क्रम से, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले क्रम से बताइए कौन से क्रम से सही होगा, क्रम से सही बताइए आप लोग जल्दी से। चार ऑप्शन है, पहला 3-1-4-2, दूसरा 4-2-3-1, 1-2-3-4, और डी नंबर 1-3-2-4, क्योंकि मिस क्लिनिश करना है और आपको बताना होगा, समझ के ही बताना होगा, नहीं ऐसे आपको दिक्कत होगी दोस्तों, समझ गए ना। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों। तो इसमें जो सही होगा वो ए नंबर सही होगा दोस्तों, ए नंबर सही होगा। कैसे? जैसे बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुई, यहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भैया, ठीक है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, समझ गए ना आप दोस्त। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ दोस्तों, ठीक, और सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनका जन्म होगा, जन्म के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होगी,
ज्ञान प्राप्ति के बाद वो उपदेश देंगे, उपदेश देने के बाद उनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाएगा कुशीनगर में। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो वो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ए नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस प्रकार हम हमारा जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज थे वो 13 थे, और सारे एमसीक्यूज करा दिए गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। जो भी कुछ डाउट अभी रह गया हो आप लोगों को इससे संबंधित, वो सारे क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो अगर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, और आपको हम सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल कर देंगे, ठीक है ना? तो फिर यही रखते हैं हम लोग। और सबसे पहले जिन्होंने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर करते रहिए अपने मित्रों के साथ। इसके बाद सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी हमारे चैनल को नहीं किया, नोटिफिकेशन नहीं भैया मिलेगी आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको हमारे लेक्चर के जितने भी शेड्यूल है वो सारे, कौन कौन से वीडियो अपलोड कर दिए गए वो सारे सब्सक्राइब के माध्यम से अगर आप करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो बस हमें अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।